नमस्ते दोस्तों, आज मेरी रिपोर्ट आई है कोरोना की जो कि नेगेटिव है। आज से कुछ दिन पहले जब मैंने टेस्ट करवाया था तो मेरा जो सिटी काउंट है अराउंड 18 था, जो कि काफ़ी लो था। तो ये 7-8 दिनों में मैंने जो वायरस को क्योर किया है, तो पिछली बार जब मैंने ये अनाउंस किया था कुछ लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे कि मैंने कहा कि लेट्स बीट दिस स्मॉल टाइम वायरस। तो अभी मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ कहूँ, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी ही नहीं है यहाँ पे। किसी को एक नेगेटिव लोगों का ग्रुप हमेशा हावी रहता है पॉजिटिव लोगों पे। तो लेकिन मेरी बहन ने कहा कि देखिए वो कुछ लोग हैं, उनका बस चले तो आपके सांस लेने से भी उनको प्रॉब्लम हो जाए। तो क्या आप उनकी सोच को अपने ऊपर हावी होने देंगे, या 99% लोग जो कि पॉजिटिव है और चाहते हैं कि आपके अनुभव से उनको फायदा हो और किसी तरह का रास्ता मिले, किसी तरह की गाइडेंस मिले, आप उनको अपने दिमाग पे हावी रखिए, इन नेगेटिव लोगों के बारे में मत सोचिए। तो उसके करके आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा मेरा मार्गदर्शन किया और मैं आप लोगों से इस बात बारे में शेयर करना चाहती हूँ कि दोस्तों, सबसे पहले तो डरना नहीं है, किसी भी चीज से डरना नहीं है। क्योंकि जब डर हो जाता है तो आप अपने जो एनिमी है वो आप अपने दिमाग में उसको मैग्नीफाई कर लेते हैं, फिर वो आप पे हावी हो जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन भी होता है। अब मान लीजिए प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, एक्सटर्नल है या इंटरनल है। यहाँ पे तो इंटरनल प्रॉब्लम है, इनफैक्ट आप ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वायरस ने आप ही को हाईजैक किया हुआ है। तो नेचुरल सी बात है 80% बैटल तो वहीं पे विन कर दे, क्योंकि आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है, खुद ही को ठीक करना है। और ये यू हैव टू मेक श्योर कि ये किसी और को भी ट्रांसमिट ना हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप अपनी चीजों को अप्रोच करने के लिए 3 प्राइमरी चीजों में डिवाइड कर लीजिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। अब फिजिकली आप देखिए कि आपको वाकई में क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग मुझे कहने लगे, अरे ऑर्गन फेल हो जाते हैं, अरे हार्ट फेल हो जाता है, अरे फंगस भी हो जाता है। तो मतलब इतनी सारी सोच आती है, आप अपने आप को जेन्युइनली आइडेंटिफाई करिए कि क्या प्रॉब्लम आपको है और क्या नहीं है। मेरा गला दर्द कर रहा था, दिमाग में मानो एक ऐसी फॉगीनेस सी थी जिससे टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा था, और शरीर में वीकनेस थी मुझे बहुत ज्यादा। सो उन चीजों को आप उस तरीके से अप्रोच करिए। स्टीम लेने से अचानक से फॉगीनेस नीचे आती थी, मैं दिन में 2-3 बार स्टीम ले लेती थी। काढ़ा पीने से गले को राहत मिलती थी, बीटाडीन के गागल करके गले को राहत मिलती थी। काढ़ा वही नॉर्मल जो हमारा इंडियन स्टाइल रहता है, अदरक गलोय में, मम्मी पापा ऑर्गेनिक गलोय मुझे उन्होंने भेजी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। काली मिर्च डालिए उसमें, अजवाइन डालिए, तुलसी के पत्ते डालिए, अच्छा जो अपना एक रेगुलर काढ़ा रहता है, मुझसे भी अच्छा बहुत लोग बनाते होंगे। और उसके बाद में मैंने देखा कि मुझे जो फिजिकली जो एक अजीब सी टायर्डनेस आ रही थी, मैंने स्ट्रेचिंग और जो भी मैं इजी आसनास कर रही थी वो कंटिन्यू किए। सेकंड, मेंटल, ये बहुत ही डिफिकल्ट एस्पेक्ट है ह्यूमन हेल्थ का, क्योंकि जब आप इतने ज्यादा टेकन ओवर होते हैं, एक नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर होती है, तो नेचुरल सी बात है आपकी नेगेटिव थॉट्स होते हैं। सो मेडिटेशन कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उस वक्त पे उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने खुद को बिठाया और प्राणायाम किया, ओम का भी चांत अगर आप कर लें 15-20 बार, और बाकी जितने भी आपको भस्त्रिका, कपाल भाति, नाड़ी शोधन, जिस तरह की गतिविधियां या ये इस तरह के प्राणायाम की आता है वो करिए आप। और फिर मुझे मेडिटेशन में भी उससे बहुत ज्यादा आसानी हुई, क्योंकि कई लोगों को डिप्लीशन ऑफ एनर्जी होता है, कई लोगों को अक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी होता है। डिप्लीशन ऑफ एनर्जी में आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, अक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी और भी भयानक होती है, जिसमें आप गुस्सा एकदम गुस्सैल हो जाते हैं और आपको नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन आप में जनरेट होती है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब मैंने ये चीजें की तो मुझे उस बहुत ज्यादा अच्छा एक दिमाग में क्लैरिटी आई, और मैंने चीजें पढ़ना शुरू की, अच्छी बातों की तरफ मेरा ध्यान गया। इस वक्त में भी मैंने बहुत सारा काम किया, और मैं ज्यादा टीवी ने इससे डिजिटल से बहुत दूर रहती हूँ, और अपने लोगों से बात की, उनसे बात करके दोस्तों से बहुत बात की, बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने मुझे वक्त दिया। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है इमोशनल। दोस्तों इमोशनली भी हम लोगों को ये जो बहुत मुश्किल हो जाता है, जो हमारी वाइब्रेशन होती है इतनी लो हो जाती है कि एक नेगेटिविटी के साथ साथ और कई नेगेटिविटी हम पे हावी हो जाती है। तो अपने आप अपनी वाइब्रेशन हाई करने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो अपनी नेगेटिविटी जो भी आपके थॉट्स हैं, अब कहना आसान है जैसे मैंने आपको बताया, करने के लिए आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मगर और भी ईजी तरीके ये है कि जो आपकी वाइब्रेशन है
हमारे जो हमारा बॉडी है वो 70% वाटर होता है. साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि अलग अलग साउंड्स एंड वाइब्रेशन द क्रिस्टल फॉर्मेशन गेट्स अफेक्टेड इन आर बॉडी. तो जैसे कि मैंने हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा सुनी, मैंने चांट्स बहुत ज़्यादा सुने, गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा सुना. तो इस तरह की आप भी हेल्प लीजिए और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के, सकारात्मक एटीट्यूड बना के आप इससे लड़ सकते हैं.